श्री सेवा समिति आश्रम अर्जुन गेट करनाल की ओर से इस वर्ष भी थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए विशाल रक्तदान शिविर लगाया गया। आपको बता दें कि इस अवसर पर दिल्ली की कंपनी से आए चिकित्सकों द्वारा रक्तदाताओं से रक्त एकत्रित किया गया। वहीं चिकित्सकों द्वारा रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक भी किया गया। इस अवसर पर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने रक्तदाताओं को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को ज्यादा से ज्यादा रक्त की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए जो भी लोग इस कैंप में रक्तदान कर रहे हैं वह पुण्य के भागीदार बनेंगे। वहीं रक्तदान शिविर में पहुंचकर करनाल की मेयर रेणु बाला गुप्ता ने भी रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। गौरतलब है कि कोरोना वैश्विक महामारी के चलते रक्तदान शिविर लगने बंद हो गए थे, परंतु सेवा समिति आश्रम की ओर से लगाया गया यह कैंप बेहद सराहनीय है। इस कैंप में सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा गया और सभी रक्तदाताओं को मास्क व सैनिटाइजर भी दिए गए। कैंप के बारे में जानकारी देते हुए सेवा समिति आश्रम के प्रधान राजेंद्र मदान ने बताया कि सेवा समिति आश्रम समय समय पर रक्तदान शिविर लगाती रहती है, परंतु थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को बार बार रक्त की जरूरत पड़ती है, इसलिए यह कैंप विशेषकर थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए लगाया गया है, जिसका शुभारंभ गीता मनीषी ज्ञानानंद महाराज द्वारा अपने कर कमलों से किया गया है। इस समय क्योंकि कोरोना वायरस का एक है जो पूरे विश्व में व्याप्त है और भारत भी उससे अछूता नहीं है, तो ऐसे में क्योंकि समस्या ये भी हो रही है कि रक्त दान किया नहीं जा पा रहा, संस्थाएं चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे, और दूसरी ओर कोरोना के लोग घरों में रह के भी आवश्यकता पड़ती है, कोई समस्या हो जाती है, और विशेष रूप से जो अपना एक श्री कृष्ण कृपा युवा मंच का प्रयास रहा है कि थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को तो लगातार ही खून की आवश्यकता रहती है, तो संस्थाएं उपलब्ध करवा नहीं पा रही, समस्या इसलिए बढ़ रही थी, तो आज यद्यपि लॉकडाउन के नियम हैं लेकिन तो भी दिल्ली रेडक्रॉस टीम के विशेष आग्रह से हमारे श्री कृष्ण कृपा युवा मंच के युवाओं ने निर्णय लिया कि लॉकडाउन के नियम निर्देशों का, सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि का पालन करते हुए कि जितना हो सकेगा आज रक्तदान करके भेजा जाए थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए, और आगे समय समय पर और भी ऐसे प्रयास किए जाते हैं। लॉकडाउन के दौरान और क्या भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हैं? लॉकडाउन के नियम निर्देशों का पालन करना राष्ट्रहित में भी है और अपने निजी हित परिवार हित के लिए भी आवश्यक है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा ये भी आह्वान है कि सोच को सकारात्मक रखें, कोरोना वायरस का जो भय है उस भय को अपने ऊपर हावी ना होने दें, तो एक सकारात्मक सोच के साथ, भविष्य की हित की सोच के साथ और सात्विक भावों के साथ ही नियम है, लेकिन हमें लगता है कि जो कोरोना वायरस के रूप में एक साथ जो विश्व के हर कोने तक की समस्या पहुंची है, ये पिछले लंबे इतिहास में ऐसी स्थिति नहीं देखी गई, तो ये वास्तव में चिंताजनक है। ढेरों प्रश्न इसके साथ जुड़े हैं, ढेरों शिक्षाएं इससे ली जा सकती हैं, कहीं ना कहीं प्रकृति का दोहन शोषण बंद करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं निरे जीवों की हत्या बंद करनी पड़ेगी, ये मांसाहार बंद करना पड़ेगा, गौ हत्या पे प्रतिबंध लगाने पड़ेंगे, तो इस ढंग की स्थितियां लाने की आवश्यकता रहेगी और कुछ स्वास्थ्य के नियमों का, अन्य अन्य नियमों का भी पालन भविष्य में भी किया जा सके, इसके लिए कोरोना वायरस एक शिक्षा भी दे रहा है। इस कोरोना नामक वैश्विक महामारी में मैं ये दिल से आभार व्यक्त करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लॉकडाउन की स्थिति की और उसमें सभी ने अनुपालना की। आज यहाँ पर सेवा समिति में कैंप लगाया गया सेवा भाव से, विशेष तौर पे थैलेसीमिया के जो बच्चे जिनको रक्त की आवश्यकता रहती है, इन दिनों में क्योंकि पहले रक्त हमेशा अवेलेबल रहता था, अब जब ये लॉकडाउन की स्थिति आई तो बहुत सारे इस तरह के कानून कायदे के कारण ब्लड कैंप नहीं लग सके थे, तो आज यहाँ थैलेसीमिया के बच्चों के लिए विशेष तौर पे कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों की जो डेली की ज़रूरत है उसे पूरा किया जा सकेगा और इस कोरोना से भी मुक्ति पाई जा सकेगी। हमारे शहर में रक्त की
प्रचुर मात्रा इस समय है, क्योंकि जब से यहाँ पर ब्लड बैंक में कैंप लगाए जा रहे हैं, लगातार लोगों के द्वारा सेवा भाव से ब्लड डोनेट किया जा रहा है, और आज यहाँ सेवा समिति में भी कि मैं सभी सेवा भावी भाई बंधुओं से जो इसमें सभी अपने जी जान से मेहनत कर रहे हैं और जी जान से सेवा कर रहे हैं, सबका हृदय से होता है। और लॉकडाउन लगा था कि जो दैनिक आवश्यकताएं हैं वो कैसे पूरी होंगी, सरकार ने प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया, हर व्यक्ति को घर तक हर तरह से होम डिलीवरी देने का प्रयास किया, चाहे वो राशन है, चाहे वो दूध है, चाहे उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ है, और विशेष तौर पे नगर निगम के सभी अधिकारियों ने कर्मचारियों ने शहर को साफ सुथरा सैनिटाइज करके लोगों को सुरक्षित रखा, और इसी वजह से आज मुझे लगता है कि करनाल जो ग्रीन जोन में जाने जा रहा है और करनाल का जो ग्राफ है वो पूरे देश में ठीक ठाक रहा है, उसके लिए मैं सरकार का, प्रशासन का, सभी सेवाभावी संस्थाओं का जिन्होंने हर तरह से सहयोग किया, करनाल वासियों का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। अभी भी हाथ जोड़ के सबसे निवेदन करती हूँ कि अभी ये इससे हमें यहाँ से तो मुक्ति तो मिली है, पर अभी इसका डर खत्म नहीं हुआ है, इसलिए आप लॉकडाउन के पूरी तरह से नियमों का पालन करें, अपने घरों में रहें, अपने सुरक्षित रहें। जब तक कोई सरकारी आपको आधिकारिक जानकारी नहीं मिलती है या आपको अति आवश्यक ना हो, तब तक अपने घरों से ना निकले, और जब निकले तो सोशल डिस्टेंस का अवश्य ध्यान रखें। साल कैंप लगाते हैं, इस साल के आयोजन के बारे में बताइए। हम हर साल दो कैंप लगाते हैं बच्चों के लिए, जब भी दिल्ली से हमारे पे डिमांड आती है हम तभी कैंप लगाते हैं उनके लिए। इस बार दिल्ली से हमारे पास लेटर आया था भी वहाँ ब्लड नहीं है बच्चों के लिए, 1500 बच्चे वहाँ पे ब्लड लेने जाते हैं हर महीने, तो उनको देखते हुए हमें ये कैंप हमने लगाया। आज किसने शुभारंभ किया इसका? हाँ जी, आज किसने शुभारंभ किया इसका? स्वामी दयानंद जी महाराज हमारे। और कुछ कहना चाहेंगे बाबू? बस इस टाइम इस समय जो इस हालात में जो लोग रक्तदान दे रहे हैं उनका बड़ा बड़ा धन्यवाद, क्योंकि आज का समय ऐसा है कि बच्चों को ब्लड नहीं मिल रहा, उनकी कमी को देखते हुए जो रक्तदान देने आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.